हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CAroctane पर। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि महिंद्रा ने हाल ही में अपनी XUV700 को अनवील किया है और कंपनी इसके लॉन्च को लेकर काफ़ी बिजी भी चल रही है और खासकर जो प्राइस महिंद्रा ने XUV700 के रखे हैं उसको लेकर भी कंपनी की काफ़ी तारीफ हो रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि कंपनी ने इसका स्टार्टिंग प्राइस इतना ज़बरदस्त रखा है। खैर, एक तरफ जहां महिंद्रा कंपनी अपनी XUV700 को लेकर काफ़ी बिजी है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी अपने सेकंड मोस्ट अवेटेड SUV स्कॉर्पियो के नए जनरेशन पर भी काम कर रही है और XUV700 की तरह ही कंपनी इसकी लॉन्च टाइमलाइन को भी लगातार बढ़ा रही है और इसके लेट होने का एक रीज़न इसके कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज भी हो सकता है। खैर, आपको बता दें कि स्कॉर्पियो की टेस्ट वेरिएंट को एक बार फिर से देखा गया है और इनफैक्ट इस बार तो इसके इंटीरियर की क्लियरेंस वीडियो भी सामने आई है जिसमें इसके इंटीरियर में काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में पता चलता है। लेकिन इनके बारे में बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आप मिस आउट ना कर पाएं। तो चलिए अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में जो आप ये मॉडल देख रहे हो ये इसका टॉप वाला वेरिएंट है जो कि ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो कुछ टाइम पहले भी इसके इंटीरियर की कुछ इमेज सामने आई थी जिसमें कि इसके इंटीरियर को क्लियरली देखा जा सकता था, जो कि इस वीडियो में भी आप क्लियरली देख सकते हो। डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें आपको एकदम नया डैशबोर्ड देखने को मिलने वाला है जहाँ पर एक कम्प्लीटली नई यूनिट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की इसमें दी गई है। इसके अलावा वर्टिकली टाइप के AC वेंट्स भी इस यूनिट के दोनों ओर प्लेस्ड हैं जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, स्कॉर्पियो को जैसे कि आप सब जानते ही हो कि अपने रग्ड और लैडर ऑन फ्रेम SUV कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जाना जाता है, जिसकी झलक इसके इंटीरियर में भी देखी जा सकती है क्योंकि इसके इंटीरियर में आपको कहीं भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज देखने को नहीं मिलने वाला, सिर्फ हार्ड प्लास्टिक का यूज ही इसमें किया गया है, जिससे कि पता चलता है कि एक रग्ड और एक टफ SUV होने वाली है। और इसके अलावा इस वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि इसके थर्ड रो में फ्रंट फेसिंग सीट्स इस बार कंपनी इसमें प्रोवाइड करने वाली है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होगी एज कम्पेयर टू साइड फेसिंग सीट्स जो कि अब वाली स्कॉर्पियो में आपको देखने को मिलती है, जिस पर बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि महिंद्रा कंपनी स्कॉर्पियो में भी अब आपको 5-सीटर का ऑप्शन ऑफर कर सकती है, जैसे कि कंपनी ने XUV700 में भी किया है और इसे कंपनी एक अग्रेसिव प्राइस टैग पर भी लॉन्च कर पाएगी जस्ट लाइक XUV700। इसके अलावा इसमें हमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये एक पैनोरामिक सनरूफ होती तो और भी अच्छा होता। इसके साथ ही साथ आप इस वीडियो में रूफ माउंटेड 4 स्पीकर की प्लेसमेंट भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 2 आगे और 2 पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि XUV700 की तरह ही माइंड ब्लोइंग आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पर भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और अगर बात की जाए इसमें बाकी इस वीडियो में दिखने वाले हाइलाइट्स की, तो इसमें आपको गियर लीवर के सराउंड इसमें क्रोम भी दिया गया है जो कि इसके इंटीरियर में प्रीमियमनेस को और बढ़ा देगा। साथ ही साथ इसमें आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको नई जनरेशन स्कॉर्पियो में देखने को मिलेगा, जिसके सेंटर में आपको एक छोटी सी MID भी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको फ्लैट बॉटम मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील भी यहाँ पर इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। और छोटे छोटे फीचर जो कि इस वीडियो में भी क्लियरली देखे जा सकते हैं वो हैं टाइप सी चार्जिंग सॉकेट, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और माइक्रो हाइब्रिड फंक्शन। और साथ इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का फीचर भी मिलेगा, जिसकी इमेजेस हमने कुछ टाइम पहले इमेज पर इंटरनेट पर रेंडर होती हुई देखी थी। अब अगर बात की जाए लास्ट में इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शन की, तो नए जनरेशन स्कॉर्पियो में आपको सेम वही इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे जो कि फिलहाल XUV700 में ऑफर किए गए हैं, जिसमें पहला है 2.2 लीटर का M-Hawk डीजल इंजन और दूसरा है 2 लीटर का M-Stallion टर्बो पेट्रोल इंजन। लेकिन स्कॉर्पियो में ऑफर करने से पहले इसे थोड़ा सा रिट्यून किया जाएगा। और साथ ही साथ इन इंजन ऑप्शन के अलावा इसमें आपको 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी यहाँ पर कंपनी ऑफर करेगी। सो बस दोस्तों, ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेटेस्ट कार अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।